हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्केट नूब। अगर तुम लोगों ने जस्ट इन लाइन स्केट करना स्टार्ट किया है और तुम्हें 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद काफ़ी सीवियर लोअर बैक पेन होने लग जाता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, एंड तक देखना। हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है लोअर बैक पेन और उसको तुम रिजॉल्व कैसे कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, चलो वीडियो। मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं 3 सबसे प्रोबेबल कॉजेज जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है, तो हम एक एक करके तीनों को कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी कमर से बेंड होकर स्केट कर रहे हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि तुमने अभी नया नया स्केट करना स्टार्ट किया है, तुमने ऑनलाइन किसी यूट्यूबर को देख लिया, स्पीड स्केटर्स को देख लिया कि वो लोग काफ़ी लो प्रोफाइल में रहकर स्केट करते हैं, उनकी कमर बहुत बेंड होती है, तो तुम उनको ब्लाइंडली इमिटेट कर रहे हो। और ब्लाइंडली इमिटेट करने का नतीजा क्या निकलेगा कि तुम लोग ऐसी प्रोफाइल में स्केट कर रहे हो। अब अगर तुम ऐसी प्रोफाइल में 15-20 मिनट आधा घंटा स्केट करोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली कमर में पेन होगा। और बेंड कहाँ से होना है ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि बस लो प्रोफाइल रहनी चाहिए, बिल स्टॉपर्ट बोलता है स्टे लो, तो कैसे भी लो हो जाओ चलेगा स्केट करते टाइम। ऐसा नहीं है, नीज से बेंड होना है और नीज से भी आगे की तरफ बेंड होना है। ऐसे ये नहीं कि नीज से तुम बेंड हो गए, अपना हिप पीछे पुश करके ऐसे बेंड हो गए, अब देखो मेरी कमर काफ़ी स्ट्रेट है, ये मैं डेडलिफ्ट वाली पोजीशन में आ गया। अगर मैं डेडलिफ्ट करता तो मैं ऐसे डेडलिफ्ट करता ना कमर स्ट्रेट रख के, अब अगर इस पोजीशन में मैं 15-20 मिनट रहूँगा तो डेफिनेटली पेन होगा। तो नीज से ऐसे बेंड नहीं होना है, तो मैं बेसिकली ऑपोजिट चीज़ करनी है। काफ़ी जिम इंस्ट्रक्टर्स गलत बताते हैं अपने जिम में कि तुम्हें अपनी नीज को अपने टोज से आगे नहीं लेके जाना स्क्वाट करते टाइम, तो हमें स्केट करते टाइम इसका ऑपोजिट करना है, हमें अपने टोज से आगे लेके जाने का ट्राई करना है नीज को। जो तुम्हारा ये वाला स्ट्रैप है ना, जहाँ से तुम्हें ये वाला सपोर्ट मिल रहा है आगे का, कभी भी तुम्हारे शिन बोन और इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पीछे की तरफ नी बेंड करोगे और पीछे अपनी हिप पीछे करोगे तो यहाँ पे गैप रह जाएगा काफ़ी, मतलब तुम ये आगे पुश कर सकते हो, इसके अगेंस्ट तुम वो सपोर्ट नहीं ले रहे हो, तुम ऐसे पीछे हो रहे हो। तुम्हें क्या करना है, अपनी हिप को पीछे पुश ना करके आगे रखना है और अपनी ऊपर वाली प्रोफाइल, अपनी अपर बॉडी स्ट्रेट रखनी है। तुम खाली नीज से ऐसे बेंड हो सकते हो, तुम्हें यहाँ से बेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अगर अर्बन स्केटर्स को देखोगे, जो काफ़ी अच्छे अर्बन स्केटर्स हैं, मोस्टली उनकी अपर बॉडी स्ट्रेट रहती है, वो खाली यहाँ से बेंड होते हैं। स्पीड स्केटर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे स्केट करता हूँ, और ध्रुव को भी देख लोगे अगर तुमने देखा होगा, या मेरे कम्युनिटी में भी जो मोस्टली लोग हैं वो ऐसे ही स्केट करते हैं, हम लोग अपर बॉडी से स्ट्रेट रहते हैं। तो देखो तुम ये वीडियो कैसे स्केट करता हूँ मैं। तो देखा तुम लोगों ने, मैं हमेशा यहाँ से बेंड हो रहा हूँ नीज से, और मेरी अपर बैक अपर बॉडी स्ट्रेट है, तो मेरे लोअर बैक पे कोई ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है। अब अगर मुझे शॉक अब्जॉर्ब करना है तो ऑब्वियसली मैं बेंड होऊंगा, तब मेरी लोअर बैक आएगी एक्शन में, बट मैं मोस्टली अपनी अपर बैक से स्ट्रेट प्रोफाइल में चल रहा हूँ और खाली नीज बेंड रख रहा हूँ। मोस्टली अब्जॉर्ब शॉक मेरी नीज कर रही है, ना कि मेरी लोअर बैक या स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया रूट कॉज नंबर 1, इसको एलिमिनेट करो। बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बेंड होके नहीं चलना है, खाली अपनी नीज से बेंड हो गए तो भी चलेगा। अब कॉज नंबर 2 ये है कि तुम हो सकता है कि अपनी हील पे ज़्यादा वेट डाल रहे हो। अगर मैं अपनी हील पे वेट डालता हूँ तो मेरे बैलेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए मेरे को आगे बेंड होना पड़ता है। तो मैंने हील पे वेट ज़्यादा डाल दूंगा तो पीछे की तरफ गिरूंगा, और बॉडी को पता है ये बात कि मैं अगर हील पे वेट ज़्यादा डालूंगा तो पीछे गिर सकता हूँ। तो अगर तुम हील पे ज़्यादा वेट डालोगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली कॉम्पेंसेट करने के लिए कमर से आगे की तरफ झुकना शुरू कर देगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट से ही फॉलो करता है और तुम्हें आगे झुकने पे, मतलब एक तरह से मजबूर कर रहा है अगर तुम हील पे वेट डाल रहे हो। तो ये प्लीज फिक्स करो कि तुम्हारा वेट हमेशा सेंटर से टो की तरफ होना चाहिए, हील पे नहीं होना चाहिए ज्यादा। जितना सेंटर से आगे की तरफ टो पे होगा उतना तुम ज्यादा आगे ऐसे बेंड होगे, ना कि ऐसे। तुम्हें ऐसे बेंड होने का ट्राई करना है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा वेट सेंटर से लेके टो के बीच में कहीं होना चाहिए, हील पे नहीं होना चाहिए। ये वैसे भी काफी अनसेफ है, अगर तुम्हारा वेट हील पे और तुम कोई जंप करते हो तो तुम्हारा स्केट आगे निकल जाएगा और तुम पीछे की तरफ गिरोगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो अगर तुम बिगिनर स्केटर नहीं हो, तुम्हें ये सारी चीजें ऑलरेडी पता थी, तो काम आ सकती है। मैं भी अभी तक ये गलती करता हूँ बहुत बारी। मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने कोई जंप करी या कोई ड्रॉप लिया तो बहुत बारी हम क्या करते हैं, क्योंकि चल जाता है, जरूरत नहीं लगती उस टाइम पे, कि मैंने अगर जंप करी ऊंची, अभी मैं हल्की सी करके दिखा रहा हूँ, अगर मैंने ऊंची जंप करी तो मैं अब्सॉर्ब नहीं करता शॉक, मैं जंप करते ही ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। अब इससे क्या हुआ कि मैं मेरी नीज अब्सॉर्ब कर सकती थी शॉक, पर मैंने करिया ना, नीज से नहीं करा शॉक, तो वो शॉक ऊपर ट्रैवल करके स्पाइनल कॉर्ड तक आता है। अभी एक जंप से फर्क नहीं पड़ेगा, एक ड्रॉप से फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर तुम एक फ्लो में मल्टीपल जंप्स कर रहे हो, मल्टीपल ड्रॉप्स कर रहे हो, तुम रोड पर चल रहे हो, रोड से फुटपाथ, फुटपाथ से रोड वापस, छोटी छोटी जंप्स भी कर रहे हो ना, तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट
काफी बड़ा हो जाता है अगर तुम आधा घंटा एक घंटा स्केट कर रहे हो और तुमने छोटी छोटी जंप 10-20 बार कर ली और तुमने कभी भी ढंग से शॉक अब्सॉर्ब नहीं किया, तुम सीधा सीधा जंप कर रहे हो, खाली नीज अपनी स्ट्रेट रख के जंप कर रहे हो, बेशक तुमने उसको बैलेंस कर लिया बट वो शॉक ऊपर ट्रैवल करके आ रहा है और तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, तुम्हारी कमर तक आ रहा है, तो वो लोअर बैक को इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी तुम जंप कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो तो प्रॉपरली अपनी नीज का यूज करो शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए। अगर मैंने अब जंप करी तो मैं प्रॉपरली बैठ के आराम से बाद में उठूंगा ताकि मेरी नीज से अपवर्ड्स ट्रैवल ना करे शॉक, नीज तक ही शॉक अब्सॉर्ब हो गया, खत्म हो गई बात वहीं पे। तो ये था तीसरा कॉज, मोस्ट प्रॉबेबली 99% ऑफ तुम्हारी बैक पेन की इशू इन तीनों कॉजेस को फिक्स करने से एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑब्वियस कॉज है कि जितना ज्यादा तुम स्केट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लोअर बैक को आदत पड़ेगी स्केट करने की और उतना ज्यादा विथ टाइम ऑब्वियसली लोअर बैक पेन कम होता जाएगा। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो और तुम्हारा कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है किसी भी टाइप के वर्कआउट की, स्पेशली कोर वर्कआउट की, तो तुम्हारा बैक पेन इनएविटेबल है और वो टाइम के साथ ही जाएगा। फिर वो टेक्निक इशू नहीं है, तुम्हारा स्टैमिना इशू और तुम्हारा मसल एंड्योरेंस इशू है। फिर वो उसको फिक्स करने के लिए तुम काफी सारे वर्कआउट्स ट्राई कर सकते हो और बेबी स्टेप्स लेते 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 धीरे 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 प्रोग्रेस करना है। पहले दिन में ही 4 घंटे स्केट करके बैक तोड़ नहीं लेनी है अपनी, आराम आराम से प्रोग्रेस करो, आराम आराम से स्केट करो, ओवर टाइम अपने आप बॉडी अडाप्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी इसमें से। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें और कैसे टाइप की वीडियोस चाहिए, तुम्हारे FAQs क्या है। मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एक 30 डेज तक, जिसमें से 5-6 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, वीडियोस आती रहेंगी तुम्हारे FAQs पे ही। तो ये आज की वीडियो काफ़ी लोगों ने मुझे बोली थी बनाने के लिए ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स, इसलिए आज की वीडियो तुम्हें मिल गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी स्केटिंग, इंडियन स्केट नूप सलाम, बाय बाय।